अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खान्स टू सेंस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पश्तो एज एन ऑप्शन सब्जेक्ट फॉर CSS एंड PMS। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ उन फेलोज को गाइड करना है कि जो पश्तो को ऑप्ट करना चाहते हैं एंड दे आर कन्फ्यूज दैट वेदर दे शुड गो फॉर इट और नॉट। सो इस टॉपिक पे हम दो वीडियोस बनाएंगे। पहली वीडियो जो हम बना रहे हैं उसमें हम बात करेंगे माई एक्सपीरियंस ऑफ ऑप्टिंग पश्तो एंड आप पश्तो कैसे सीख सकते हैं। एंड लास्टली आई वुड बी शेयरिंग माई असाइनमेंट्स एंड द बुक्स विच आई कंसल्टेड। और इस टॉपिक के दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू राइट पश्तो। आई वुड बी शेयरिंग पश्तो अल्फाबेट्स विच आर लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द अल्फाबेट्स ऑफ उर्दू। और मैं आपके साथ अपनी टिप्स शेयर करूंगी कि आप वर्सेस जो डिफरेंट शेर हैं जो आपने याद करने हैं उनको आप कैसे याद कर सकते हैं। एंड लास्टली हाउ कैन वी कवर द सिलेबस ऑफ पश्तो स्मार्टली। तो चलते हैं, लेट्स बिगिन द फर्स्ट पार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिड आई ऑप्ट पश्तो। अब तक तो आपको समझ आ गई होगी कि यस आई ऑप्टेड पश्तो। 2018 में व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट तो मुझे उस वक्त सिर्फ पश्तो बोलना आती थी और वो भी मेरा डायलेक्ट यूसफ से बहुत डिफरेंट था। लेकिन विद इन अ स्पैन ऑफ अ मंथ मैं पश्तो को लिखना और पढ़ना सीख गई थी। एंड द रीज़न बिहाइंड वॉज द पैशन। मुझे पश्तो कभी बर्डन नहीं लगी, मुझे पश्तो सीखना अच्छा लगता था। और इसी यही बात थी कि जब मैं अकेडमी जाती थी और वापस आते वक्त ही तकरीबन आने जाने का अलग अलग एक घंटा लग जाता था तो मेरे हाथ में हमेशा पुहाना होती थी और मैं उसमें से रीडिंग करती थी। एंड दैट रीडिंग पर्टिकुलर हेल्प मी अ लॉट क्योंकि उस रीडिंग करते हुए मुझे बहुत से वर्ड्स की फॉर्मेशन समझ आई, मुझे बहुत से मेरी वोकैबुलरी अच्छी हुई। और अल्टीमेटली जब मैं असाइनमेंट्स करती थी, जब मैं लिखती थी पश्तो को, तो उस रीडिंग ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया। और वो रीडिंग सिर्फ इसलिए मैं ज़्यादा करती थी कि मुझे पैशन था पश्तो सीखने का। तो अब ये सवाल भी आता है कि अगर पैशन था तो क्या स्कोर भी उतने अच्छे आए। मतलब अब पैशन का किसने क्या करना है अगर वो सब्जेक्ट में आप स्कोर नहीं कर पाते। तो आए चलते हैं हम अपने स्कोर की तरफ। मैंने जैसे आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मैंने CSS की दो अटेम्प्ट्स दी हैं, तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट थी उसमें जब मेरा नाम नहीं आया तो घर में सब स्पेशली मेरी अम्मी कहा करती थी कि तुम इसलिए फेल हुई हो कि तुमने पश्तो का पेपर फेल किया है बिकॉज तुमने पश्तो के सर पर तोड़ दिए थे। क्योंकि मैं जब भी पश्तो का कुछ याद करती थी तो मैं घर में सबको सुनाती थी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज हो। तो किसी को कुछ भी समझ नहीं आती थी कि मैं क्या बोल रही हूँ बिकॉज मैं स्पीकिंग पे इतना फोकस नहीं करती थी। मैं उनके अल्फाबेट्स पर फोकस करती थी कि जैसे वेरजई राजई, मैं वो उस ये पे फोकस करती थी कि मुझे कौन सा ये यूज़ करना है लिखते हुए। तो मैं यकीनन उसकी जो प्रोनाउंसिएशन थी वो भी डिफरेंट कर जाती थी। तो सब ये कहते थे कि तुम पश्तो में फेल हुई होगी। 3-4 दिन बाद जब GNC आई तो अल्हम्दुलिल्लाह स्कोर 69 out of 100 और ये तकरीबन मेरे पास सेकेंड हाइस्ट मार्क्स थे उस पेपर में मेरे मार्कशीट में। फिर जब मैंने सेकेंड अटैम्प्ट दिया और उस सेकेंड अटैम्प्ट में बिलीव मी मेरी प्रिपरेशन फर्स्ट अटैम्प्ट से ज़्यादा थी। बट जब मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठी और MCQs आए तो उन MCQs में मुझे सिर्फ और सिर्फ एक MCQ आता था डिस्पाइट द फैक्ट कि मैंने पिशावर से एक MCQ की किताब भी मंगवाई थी जो मैंने आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें मैंने राउंड अबाउट 700+ MCQs में सीख कर गई थी। और जब एग्ज़ाम हॉल में मैं बैठी इट डजेंट फील लाइक कि मुझे कोई भी MCQ आता था, सिर्फ एक के। और ये नहीं थी कि मैं ब्लैंक कर गई थी, मुझे मतलब भूल गई थी MCQs, वो MCQs कभी मेरी नज़र के सामने से गुजरे ही नहीं, पता नहीं कहाँ से आए थे वो MCQs। और पूरे हॉल में सब स्टूडेंट्स आगे पीछे विस्पर कर रहे थे कि भाई हम सबको तो एक MCQ आता था कि खुशहाल खान खटक प्लारसन उमो, इसका कोई MCQ था, बाकी कोई MCQ नहीं आता था। लेकिन मैंने नर्व्स को कंट्रोल रखा और जो आगे पेपर के उसमें क्वेश्चंस भी बड़े डिफरेंट आए थे, जो हम प्रिपेयर करके जैसे जाते हैं एक आपका माइंड एक्सपेक्ट कर रहा है कि ऐसा पेपर आएगा, वैसा नहीं आया। तो इस बार जब 2020 का रिजल्ट आया और मेरा नाम फिर नहीं था लिस्ट में तो मुझे ऐसा लगता था कि इस बार भी मैं क्या पता पश्तो में फेल हुई हूँ। पिछली बार मेरे घर वालों को लगता था, इस बार मुझे लगता था कि मैं पश्तो में फेल हुई होंगी। बट व्हेन द रिजल्ट केम आउट आई स्कोर्ड 55। नो डाउट ये मार्क्स पहले अटेम्प्ट से कम है बट जिस तरह पेपर मुश्किल था और आता नहीं था तो स्टिल आई थिंक आई स्कोर्ड वेल। अब बात ये आती है कि एम आई सेटिस्फाइड, विल आई ऑप्ट पश्तो अगेन। डेफिनेटली माई आंसर इज अ बिग येस। चाहे PMS हो चाहे नेक्स्ट CSS हो, मैं पश्तो को ज़रूर ऑप्ट करूँगी। और इसके लिए मैं अब आगे आपसे ट्रिक शेयर करती हूँ।
तो अब बात करते हैं कि पश्तो को कैसे फिर सीखा और कैसे इसकी प्रैक्टिस की। ये अब मेरा रजिस्टर है, आप देख लें। इसमें सबसे पहला लेक्चर जो है मैंने इंग्लिश में लिया है क्योंकि मुझे उस टाइम पर पश्तो नहीं आती थी। बट जैसे ही मैंने एक लेक्चर में ये पश्तो के अल्फाबेट सीख लिए, मैंने प्रैक्टिस कर ली और इनके मैंने डिफरेंसेस सीख लिए, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट आफ्टर दैट कि मैं सारा लेक्चर पश्तो में नोट डाउन करूं। और इन लेक्चर्स के दौरान मैं कुछ ना कुछ कहीं पर इंग्लिश फ्रेजेस भी यूज कर लेती थी जहां पर मुझे लगता था कि मुझे समझ नहीं आएगा। बट मेरी ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये थी कि मैं पश्तो में लेक्चर लिखूं। अब यहां पर इस बात बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं अपने आप को प्रेस कर रही हूं या मैं खुद की बहुत तारीफ कर रही हूं, नहीं। सारे स्टूडेंट्स मेहनती होते हैं और स्पेशली जो स्टूडेंट सीएसएस और पीएमएस करने के लिए निकलता है, डेफिनेटली उसमें मेहनत करने की चाह होती है। सिर्फ मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूं कि डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। और एकेडमी में ड्यूरिंग द लेक्चर्स एक दिन सर पॉइंटेड एट मी एंड सेड कि ये स्टूडेंट 70s तक नंबर लेंगी पश्तो में। एंड आई वाज जस्ट शॉक्ड कि हाउ ही कैन क्लेम दिस। एंड देन ही सेड कि क्योंकि ये पश्तो के लेक्चर्स पश्तो में लेती हैं तो ये प्रैक्टिस इतना कर रही हैं कि इनके 70s में मार्क्स जाएंगे। एंड दैट स्टूड वेल, आई गॉट 69। और ये सिर्फ आपके लिए भी है कि आप भी जितनी इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली आपको इसमें मार्क्स ज्यादा आएंगे। अब ये लेक्चर्स हैं, आप राइटिंग में ना जाएं, इट्स नॉट नीट एंड क्लीन, बट ऐसे ही मैं लेक्चर्स नोट करती हूँ। अब ये देखिए, अब लेक्चर्स एकेडमी में खत्म हो गए थे, इसके बाद ये मेरी प्रैक्टिस है। मैं बहुत ज्यादा शेरों को याद करती थी, बार बार उनको लिखती थी, ये सारे लिखते जा रही हूँ। वक्त के साथ जैसे मैंने इनको ज्यादा सारा याद कर लिया, आई ट्राइड माई बेस्ट टू राइट देम विद कटा हुआ मार्कर, ताकि जितनी मेरी प्रैक्टिस हो सके कटे हुए मार्कर के साथ। ये मेरी प्रैक्टिस है। अच्छा, ये मेरा रजिस्टर है पूरा भरा हुआ। तो अब बात करते हैं असाइनमेंट्स की। तो ये मेरी फर्स्ट एक डिक्टेशन थी एकेडमी में और इसमें मैंने बहुत सी मिस्टेक्स की हैं, बट सर वाज रियली काइंड एंड ही ट्राई टू मोटिवेट मी बाय कमेंटिंग वेरी गुड। उसके बाद करते हैं आपने क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ये मैंने एक क्वेश्चन उठाया पास्ट पेपर से और इसमें मैंने सर की क्या कहते हैं सर को मैंने चेक करा ये असाइनमेंट। और इसमें अगर आप देखें तो मैंने मार्कर्स का यूज किया है और जो शेर हैं उनको मैंने कटे हुए मार्कर के साथ लिखा है बड़ा करके, और इस पे सर ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया था। ये आपसे मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप भी इस तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। और एक और चीज, सर ने इस पे कमेंट किया था, मैंने शायरों का जो पोइट्स है उनका बैकग्राउंड नहीं बताया करती थी असाइनमेंट्स में, तो सर आस्क्ड मी टू डिस्कस अबाउट हिज फैमिली बैकग्राउंड एज वेल, क्योंकि ये पश्तो के जो एग्जामिनर्स होते हैं दे लाइक इट। तो आपने हर पोइट का वो भी करना है। अब इसमें मुझे मार्क्स दिए थे सर ने 16 out of 20, और ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूं कि इतना भी लिखकर आपको 16 मिल सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि आपने प्रेजेंट अच्छा किया हो और आपकी रिटर्न मिस्टेक्स ना हो। क्योंकि हमारे सर कहते थे कि पश्तो के जो एग्जामिनर्स हैं वो आपको वहां पर मार्क्स देने के लिए बैठे होते हैं, कि वो चाहते हैं कि हमारे जो पश्तो के स्टूडेंट्स हैं जो केपी से बिलोंग करते हैं कि वो आगे निकले। तो सर कहते हैं कि बेशक आपको अगर लिखना नहीं आता, इतना आपको वोकैबुलरी नहीं आती पश्तो की, आप बेशक उर्दू के वर्ड्स यूज करें, बट ट्राई टू राइट देम इन अल्फाबेट्स ऑफ पश्तो। फॉर एग्जांपल आपने टमाटर लिखना है, अब ऐसे नहीं कि आपने उर्दू में लिख देना है टमाटर, डेफिनेटली एग्जामिनर इस बात को बुरा मानेगा। रादर आपने टमाटर लिखना ही है तो क्यों ना आप पश्तो के उसमें आप इसमें इसको लिख लें, और इसमें एग्जामिनर आपको ये इसको अप्रिशिएट करेगा और इसको नहीं करेगा। तो बस आपने पश्तो लिखना सीखनी है, अपने वर्ड्स पे फोकस नहीं करना कि आपको वोकैबुलरी नहीं आती या क्या। जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको कुछ सुनाऊं, मुझे बहुत से वर्ड्स अपनी तरफ से मैंने लिखे हैं उर्दू के यूज किए हैं, जैसे ये आप देखें, पदाश शेर शे हमजा बाबा वाई चिदले जबे सारा मीना कावल बगैर इंसान मिसाल दे यू आह अमारत ते चुम बुनियाद नवी ओ आह अमारत बे बुनियाद अवी। उसमें बहुत से वर्ड्स मैंने उर्दू के यूज किए हैं, बट बाकी जितने अल्फाज हैं उनको अगर मैंने यूज किया तो उसमें मैंने पश्तो के अल्फाबेट्स यूज किए हैं। तो इस तरह ये मेरी असाइनमेंट्स थी और ये इन सब में मैंने हेल्प सारी पोहाना से ली है। बात करते हैं बुक्स की। सो द बेसिक बुक विच यू रिक्वायर फॉर इट इज पोहाना, ये एक बेसिक बुक है और इसमें मैंने बहुत ज्यादा इसकी मैं रीडिंग करती थी, उस रीडिंग ने मुझे राइटिंग में बहुत हेल्प आउट किया। और मेजॉरिटी जितने शायर हैं, जितने फोकलोर है, जितना लिटरेचर है, वो ये पोहाना कवर कर लेती है, एक्सेप्ट दैट पश्तो के एक माताल दाई चिचुरा घोड़ा वेरा चावे दारा ख्वाजी जी। डेफिनेटली आप जितने ज्यादा और वर्सेज याद करेंगे, अब मैं पर्सनली जैसे यूट्यूब पे डिफरेंट
ये गजल वगैरह डिफरेंट पोइट्स की सुनती थी और वहां से भी मैं वर्सेस निकाल के याद कर लिया करती थी। तो आप जितनी ज्यादा याद करेंगे डेफिनेटली आपकी क्वालिटी उतनी आंसर्स की अच्छी हो जाया किया करेगी। ये तो मैंने पिशावर से बुक्स मंगवाई थी पश्तो के लिए, तो मेरी सिस्टर ने पोहाना भी भेज दी थी, शी डिडंट नो क्या है वॉलेट। लास्टली सेकंड अटेम्प्ट में मैंने ये बुक भी पिशावर से मंगवाई थी, द पख्तो मारूजी सवालूना, और इसमें राउंड अबाउट 744 MCQs हैं और इसमें राउंड अबाउट 700 में याद करके गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम पेपर वॉज रियली डिफिकल्ट, तो MCQs का पार्ट भी बहुत मुश्किल था और मेजॉरिटी पूरे हॉल में सबको सिर्फ एक MCQ आता था। और एग्जाम हॉल से जब हम बाहर आए तो स्टूडेंट वॉज शाउटिंग के कसम पख्ता जी दापाची व पंजाबी जोड़ा करेगा, बिकॉज वो मजाक में टॉन्ट कर रहे थे कि अगर बाकी एक पश्तो एग्जामिनर होता तो वो बेसिकली इसको बहुत इजी पेपर बनाता, लेकिन जितना मुश्किल पेपर आया तो डेफिनेटली द एग्जाम सेटर वॉज नॉट अ पश्तून। सो कहने का मकसद ये है कि आप इन बुक्स को कंसल्ट कर लें, बेशक इस टाइम इस बार पेपर मुश्किल था, बट इट डजंट मीन कि आप कोशिश ना करें MCQs को याद करने की। यू कैन कंसल्ट पास्ट पेपर्स एज वेल, पोहाना के एंड में भी और 10 to 11 पास्ट पेपर्स होते हैं और उनके MCQs भी होते हैं, तो आप उनको भी कंसल्ट कर लें, आप इस बुक को भी कंसल्ट कर लें। इसके अलावा हर पोइट को जब आप याद कर रहे होते हैं उस पोइट की जो बायोग्राफी स्टार्ट में आती है वो तो हम वैसे भी याद करते हैं क्वेश्चंस के लिए, तो इंशाल्लाह हमारा MCQs का पार्ट अपनी तरफ से हम इसको क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई कमेंट करना आप चाहते हैं, कमेंट डाउन बिलो, और फेसबुक पे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।